दोस्तों कवि और इसकी कृति इस कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तह दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों ये जिंदगी एक सुंदर बगिया है और इसमें बिखरे हुए फूलों की तरह ये खुशियाँ हमें महसूस करना आना चाहिए और उस खुशियों को महसूस करने की ताकत हमें जो देती है ऐसी कविताएं हम देख रहे हैं कवि और उसकी कृति इस कार्यक्रम में हर पल उत्सव ये बहुत ही अच्छा किताब है और इसमें संकलन है सीता गुप्ता जी के कविताओं का तो पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने एक बहुत ही प्यारी कविता देखी थी ऊंचाई की सुगंध इस ऊंचाई की सुगंध में जो आगे के छंद है उसे अभी हम सुनने वाले हैं नमस्कार सीता जी नमस्कार आपका स्वागत कवि और उसकी कृतिस कार्यक्रम आपका में। भी स्वागत पिछले बार जब हम मिले थे तो हमने ये ऊंचाई की सुगंध कविता हमने सुनी थी और उसमें आपने कहा है चारों तरफ अंधेरा छितराए कहीं कुछ भी नज़र न आए तब भी हारना मत किसी को पुकारना मत अभिमान को भुला कर बुद्धि की छलना से निकलना झुककर पांव पाव के नीचे की धरती को सिर झुकाना तुम्हें उसमें माँ का स्नेह ये आगे का है तुम्हें उसमें माँ के स्नेह की नरमी मिलेगी तुम्हें उसमें माँ के स्नेह की नरमी मिलेगी आंखें उठाकर गगन देखेंगे तो पिता के दुलाल की गर्मी मिलेगी सब मित्र सहयोगी भले छोड़ दे सब मित्र सहयोगी भले छोड़ दे अपनों की सरगर्मी मिलेगी फिर से आज की विफलता भविष्य में सफलता बनेगी मैंने ये बहुत पढ़ा और समझने की कोशिश की लेकिन उतना मुझे समझ में नहीं आया आप इसके बारे में क्या कहेंगे जैसा आपने अभी कहा तुम्हें उसमें माँ के स्नेह की नरमी मिलेगी हाँ और पिता के प्यार की गर्मी मिलेगी अच्छा पिता के प्यार में गर्मी भी है और नरमी भी है जैसे कल मैंने कहा था कि कुमार अंदर से सहारा देता है ऊपर से ठोकता है हाँ। तभी घड़ा गोल बनता है शिक्षक आपको डांटता है लेकिन उसके मन में भाव क्या होता है आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने की ऊर्जा प्राप्त कर लो ऐसे ही माता पिता हैं। दर्शकों मैं आपसे भी रूबरू हूँ मैंने लिखा है तुम्हें उसमें माँ के स्नेह की गर्मी मिलेगी आंखें उठाकर गगन देखेंगे तो पिता के दुलार की नरमी मिलेगी पिता दुलार करता है लेकिन उसके दुलार में भी आपके लिए सुखद भाव होता है कि आप आगे बढ़ जाएं। तो डांट भी सकता है जैसे मैंने पहले कहा था कि आकाश को हम सुरक्षा कवच मानते हैं ना आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ओजोन परत में छेद हो गया है इसलिए हमें स्किन की एलर्जी हो रही है तो ऐसे ही मैंने कहा है कि पिता जो हमारा सुरक्षा कवच है और माँ हमारी उसमें पालना करता है तो माँ और पिता के प्रति अगर हम आदर रखते हैं अगर उनकी भावनाओं को समझते हैं तो उनकी डांट भी हमें प्यार लगेगी <laughs> वो हमें सुधारने के लिए कहते हैं सब मित्र सहयोगी भले छोड़ दें अपनों की सरगर्मी मिलेगी मित्र और सहयोगी आपको चढ़ते वक्त साथ रह सकते हैं और ये भी हो सकता है कभी आप विफल हो जाओ तो मुख मोड़ लें लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं क्या बात है आप देखिए अगर माता पिता गरीब भी होंगे अपना मेहनत करके भी बच्चों को सब कुछ जुटाएंगे माँ हो सकता है आपसे कह दे व्रत है अगर घर में खाना दो समय का ना हो तो और बच्चों को खिला देगी तो इसीलिए मैंने लिखा है कि सब मित्र सहयोगी भले छोड़ दें अपनों की सरगर्मी मिलेगी फिर से आज की विफलता भविष्य में सफलता बनेगी माफ़ी चाहती हूँ ये आगे का बाद में हम स्पष्ट आपसे सुनेंगे लेकिन ये जो है हम अपने माता पिता के बारे में कहा आजकल की जो पीढ़ी है वो माता पिता को इतना आदर नहीं देती या फिर बड़ों को तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे आदर देना हमें उनको सिखाना होगा ना हाँ हाँ लेकिन उसके बारे में और आप क्या कहेंगे हम उनको कैसे सिखा सकते हैं या फिर वो आदर इनके में कैसे जागृत करें वही मैंने ऊपर जो लिखा ना कि किस किस ने इसमें श्रम दिया इसको जांचना। हम्म हु. अगर हम ये जांच लें कि हमें किस किस ने उसमें हमारी सफलता के भीतर किस किस का राज छिपा हुआ है किस किस की मेहनत छिपी हुई है तब हम आदर दे सकेंगे बिल्कुल बिल्कुल सही है कल भी हमने कहा था आज भी मैं कहती हूँ कि इंसान जन्म अकेला ले सकता है लेकिन जीवन अकेले नहीं जी सकता है हुँ, हुँ। कितने लोगों का सहयोग मिलता है तब आप जीवन जीते है जी किसी ने मिल में कपड़ा बनाया या जुलाए न खड्डी पे बुना तब आपने पहना किसान ने दिन भर श्रम करके खेत में अनाज उगाया तब आपने भोजन किया माँ ने दिन भर गर्मी में बैठकर पकाया तब आपको वो भोजन मिला पिता ने श्रम करके कमाया तब आपके लिए वस्त्र और भोजन की व्यवस्था हुई शिक्षक ने दिन रात आपको पढ़ाया आपकी गलतियों को सुधारा आपकी गलतियों को पहले परखा तब सुधारा तब आपको जीवन के दिशा निर्देश दिए बिल्कुल सही किस किस लोगों ने श्रम किया है तो अगर वो श्रम को मैं पहचान जाऊं तो मुझे सबके प्रति आधार भाव स्वतः जागृत हो जाएगा कितनी अच्छी बात कही आपने आगे आपने कहा है फिर से आज की विफलता भविष्य में सफलता बनेगी। क्या ऐसा हो सकता है हो सकता है अच्छा इसे और आप स्पष्ट करेंगे आप तो देखिए ना कितने लोग एवरेस्ट पर चढ़े हैं तो क्या पहली बार में चढ़ गए बराबर है बराबर लेकिन बार बार के प्रयास करने से चढ़ गए ना हमारी हाँ, कहावत में भी है ना करत करत अभ्यास के जड़मती हो होत सुजान रसरी आवर जात से सिल पर पड़त निशान तो एक रसरी रस्सी कमजोर सी झूठ की बनी हुई और पत्थर कुएं से पानी भरती है उस रस्सी से ही बाल्टी से पानी निकाल लेती है और सिल पर निशान पड़ता पत्थर पर थर पे निशान पड़ जाता है हाँ। तो अगर पत्थर पर निशान बनाने की क्षमता रस्सी में है दोनों ही विपरीत चीजों से बने हुए हैं पत्थर एकदम सख्त रस्सी एकदम कोमल तो फिर क्यों हम नहीं प्रयास कर करके चढ़ सकते हैं क्या बात बच्चा है बच्चा कदम दर कदम रखता है तो चलना सीख जाता है एक एक अक्षर मिलाकर लिखता है तो लिखना सीख जाता है क्या बात है क्या बात है बहुत बड़ी बात इसमें आपने कही है और आगे आपने लिखा है याद रखो माँ ही धरती पिता ही छत्र छाया देता आकाश है हारे छोटे मन के अंदर यही जगाता उड़ाने का विश्वास है अपनी जड़ों को भी कभी मत छोड़ो अपनी जड़ों को भी कभी मत छोड़ो मिट्टी से धूप से मुख मत मोड़ो सच्चे संबंधों के तार को किसी घृणा के झटके में मत तोड़ो ये अपने धरती माँ तो कहा है इसमें लेकिन आपका इशारा सिर्फ धरती माँ के यहाँ है क्या यह जीवन की माँ के ऊपर भी है इसमें दोनों के ऊपर है अच्छा बताइए ना दो पल पहले आपने ही कहा कि आज बच्चे माता पिता को उतना आदर नहीं देते जितना देना चाहिए सही है इसलिए मैंने दोनों के लिए ही कहा है धरती तो प्रतीकात्मक है बिल्कुल बिल्कुल तो दोनों के लिए ही कहा है हारे टूटे मन के अंदर अगर उसका घोंसला आंधी से गिर जाए हाँ, हाँ। अपने बच्चों के लिए तिनका तिनका लाकर दोबारा घोंसला बना लेती है हाँ हाँ सही है सही है। लेकिन वही चिड़िया पहले अपने साये में रखकर चूजों को पालती है जब लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो चूज मार मार कर उनको आकाश में उड़ने के लिए भेज देती है हाँ। आप कभी देखिएगा चिड़िया चोंच मार मार के उनको बाहर उड़ने के लिए भेजती है सही बात है तो माँ बाप भी हमें क्या सिखाते हैं कि बच्चे अब तुम्हें क्षेत्र में जाना है जाओ जो कुछ सहन करना पड़े करो हर समय थोड़ी माँ बाप हमारे से रहेंगे बराबर है तो इसलिए उस मैंने लिखा हारे टूटे मन के अंदर यही जगह था उड़ने का विश्वास है इसमें मैंने प्रतीक चिड़िया को और उस बच्चे को लिया है कि चिड़िया कैसे पंजा मार चोच मार मार के अपने बच्चे को उड़ना भेज दिया क्या बात है लेकिन आ... अपनी जड़ों को कभी मत छोड़ो मिट्टी से धूप से मुख मत मोड़ो अपनी जड़ों को कभी मत छोड़ो आज गांव के बच्चे गांव में नहीं रहना चाहते उतनी सुविधा नहीं है शहर के बच्चे अगर उनको ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हैं विदेश में उड़ जाना चाहते हैं बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है तो हमने श्रम किससे लिया अपने देश की धरती से अपने देश की पवन से अपने देश के आकाश से अपने देश के साइंसदानों से जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाया बड़ी बड़ी लैब में एक एक व्यक्ति के ऊपर कितना खर्च होता है और फिर वही बच्चे जब विदेश में जाके वहाँ की सेवा करते हैं वो बात सही है लेकिन तो क्या हुआ? अपनी मिट्टी के अपने तेल से मैं दूसरे के घर पे दिया जला रही हूँ लेकिन मुझे एक छोटी सी बात ऐसी लगती है कि क्या उन्हें अपनी उन्नति के बारे में नहीं सोचना चाहिए वहाँ पे उन्हें ज्यादा पगार मिलती है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं इसके ऊपर आप क्या कहेंगे ज्यादा पगार मिलती है लेकिन क्या वो स्नेह मिलता है जो अपने देश में मिलता है तो किसी भी देश में जो लोग रहते हैं उनको दोयम दर्जे का तो माना ही जाता है आप किसी भी देश में चले जाइए अच्छा मतलब आपको क्या लगता उनको है उनको वही अधिकार मिलते हैं क्या जो उनके वहाँ के नागरिकों को मिलते हैं वो बात तो है लेकिन तो आपको क्या लगता है ऐसी नौकरी करना गुलामी है गुलामी नहीं है पर पहले आगा में अपने देश के बारे में सोचना चाहिए अभी आपने कैलाश सत्यार्थी जी का तो उदाहरण सुना होगा ना उनको भी तो विदेश में आराम से मिल सकता था ना लेकिन अपने देश के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं ना लेकिन हमारी मीडिया का दोष है ना कि ऐसे लोगों को ज्यादा वो प्रकाश में नहीं लाती है इसलिए उनको अनुसरण करने वाले कितने लोग हो जाते हैं आपने विवेकानंद जी का वचन तो सुना होगा ना शिकागो में कितने वर्षों पहले शताब्दी पहले उन्होंने कहा था कि मेरा देश महान हाँ। सारे दे जब अपने उनके परिधान में देखकर उनको सभा में जाने से कह दिया गया था आप कैसे हो आप क्या पहन कर आए हो उनकी गीता को सब उन्होंने क्या दिखाया था कि गीता को सबसे नीचे रख दिया गया है सारे ऊपर उसके ऊपर धर्म ग्रंथ रख दिए गए थे और किसी ने मजाक में उनसे गीता को नीचे से निकाल लिया था हां तुम्हारी गीता की उन्होंने क्या करा था कि सारे धर्म ग्रंथ उनके ऊपर रख दिए थे और मजाक उड़ाया था देखो तुम्हारी गीता हमारे सारे धर्म ग्रंथों के नीचे पड़ी नीचे है।, है स्वामी विवेकानंद हाजिर जब आप थे उन्होंने उसके नीचे से उसको निकाल लिया देखो गीता के ऊपर ही सब खड़े थे जैसे ही गीता हटाई सब गिर पड़े हैं बिल्कुल वो पाया है सब धर्म ग्रंथों का पाया है स्वामी विवेकानंद जी का तो राष्ट्र अभिमान असीम था आप जब ये कह रही थी तो मुझे एक बात याद आई वो जहाँ जहाँ पे जाते थे विदेशों में तो वो अपने जो कहानियाँ हैं हमारे धर्म ग्रंथों ग्रंथों में से जो कहानियाँ हैं हमारी जो पुरानी रामायण की महाभारत की वो सब जगह पे कहते थे और उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सच्चाई की कहानी तो एक चर्च में उन्होंने वो कहानी सुनाई थी तो एक नन खड़ी हो गई वहाँ पे और उसने कहा स्वामी जी आपने कहा तो सही राजा हरिश्चंद्र के बारे में लेकिन मुझे ये कहानी सिर्फ कल्पना लगती है तो स्वामी विवेकानंद जी तब गुस्सा नहीं हो गए वो शांति से वैसे ही खड़े रहे वहाँ पे दो मिनट और दो मिनट के बाद उन्होंने कहा शायद है वह ये कहानी आपको लगती भी होगी कल्पना हम भारतीय तो इसे सच्चाई मानते हैं आपको ये लगती होगी शायद कल्पना लेकिन ऐसी कल्पनाएं भी कल्पनाएं भी भारतीयों को ही प्रस्फुरित हुई ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पे कहा था तो आपने बहुत बड़ी बात बताई राष्ट्र अभिमान की और आगे आपने लिखा है फिर से शिखर पर पहुँचेंगे पथ में बिखरे होंगे फूल शिखर कौन सा है पहले मैं पूछती हूँ बाद में बाकी की पंक्तियाँ। शिखर चोटी को कहते हैं अच्छा पर्वत की चोटी को हम शिखर कहते हैं अच्छा तो सबके जीवन के शिखर अपने अपने है बिल्कुल सही। एक चित्रकार का शिखर होगा कि, कि मुझे सबसे सुंदर चित्र बनाना है हाँ हा। एक संगीतकार का शिखर होगा कि मुझे सबसे अच्छी धुन बनानी है क्या बात है एक खिलाड़ी का शिखर होगा कि मुझे शतक मारना है क्या बात है यानी हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पे सौ टक्का देना ये है उस शिखर पे पहुँचना फिर से शिखर पर पहुँचेंगे पत में बिखरे होंगे फूल चारों तरफ सुगंध की होगी मिट जाएंगे पत के शूल प्रभु की करुणा के प्यार की प्रभु की करुणा के प्यार की माँ बाप के दुलार की ममता की पार करोगी दृढ़ दृढ़ता दुण से मुझधार को पार करोगी दृढ़ता से मुझधार को कर लोगी ऊंचे आकाश की समता को ये पार करोगी दृढ़ता से मझधार को कर लोगी ऊंचे आकाश की समता को ये ऊंचे आकाश की समता क्या है किसी ने कहा है दृढ़ता की तीली चाहिए सफलता के लिए अच्छा। लेकिन नहीं वो आंसुओं से गीली चाहिए अच्छा एक दीपक जलाने के लिए आपको तीली तो चाहिए ना हाँ। लेकिन अगर वो गीली होगी तो दीपक जलेगा अच्छा। तीली जलेगी नहीं दीपक जलेगा नहीं तो ऐसे ही मैंने कहा है पार करोगी दृढ़ता से मझधार को कर लोगे ऊंचे आकाश की क्षमता भी दर्शकों आप निकालिए इसमें से मैं आपको समझाती हूँ शिखर पर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारे चार, चारों तरफ कौन से फूल हैं वाह वाह के फूल हैं बहुत हाँ। सारे लोग ताली बजाने आ जाएंगे बहुत सारे सफलता पर बधाई देने आ जाएंगे तो लेकिन हम शिखर पर पहुंचेंगे जब मेहनत करेंगे तब चारों तरफ सुगंधि होगी मिट जाएंगे पथ के शूल जब एक बच्चा फर्स्ट डिविज़न ले लेता है या स्कॉलरशिप ले लेता है तो क्या उसको याद रहता है मैंने कितने घंटे पढ़ाई की पथ के कांटे सारे भूल जाते हैं ना फिर अभी हमारा अंतरिक्ष यान चांद पर गया है तो अब क्या याद है इसरो के सारे वैज्ञानिकों को या फिर जो उसके अंदर जिन्होंने मेहनत की याद है क्या कि हमने कितना कष्ट उठाया आप सफलता का मर्म याद है ना सफलता की वो स्वीटनेस याद है सफलता का मिठास उनको मिल रहा है ना चारों तरफ से वाहवाही मिल रही है ना यही तो फूल है लेकिन आपने जैसे कहा हम ऊंचाई के शिखर पर जाएंगे तो हमें वहावा के फूल मिलेंगे लेकिन ऐसे वहावा के फूल मिलने के बाद अपने आप को कैसे संभाले फिर से अभिमान तो आ जाएगा ना अगर स्वाभिमान को जगा लें तो अभिमान कैसे आएगा हाँ लेकिन उस समय वो स्व अभिमान यानी आत्म अभिमान वो कैसे जागृत रखे बात है नया लक्ष्य बना लीजिए ना हम्म अभी मैंने इतना पाया है अभी नया लक्ष्य बना लीजिए हाँ। तो वो स्वाभिमान जो है जागृत हो जाएगा हाँ। अभी मेरे को नए लक्ष्य की तरफ जाना है हाँ। लेकिन हम देखते हैं अक्सर लोग प्रसिद्धि की हवा में बह जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं उसके ऊपर हवा का प्रवाह इतना सब कुछ बहा ले जाएगा हाँ। लेकिन मैं खड़ी रहूँ इसके लिए मुझ में भी तो स्थिरता होनी चाहिए वो तो है लेकिन वो लाए कैसे दृढ़ता की तीली मैंने बोला ना दृढ़ता होगी तो हम खड़े रहेंगे ना हाँ। सागर के अंदर कितनी लहरें होती हैं अथाह लहरें होती हाँ गीन लेकिन जो वो बना होता है सबको रास्ता दिखाने के लिए जो जिस पे लाइट लगाते हैं लाइट हाउस हाँ। तो लाइट हाउस खड़ा रहता है ना क्या वो पानी की थपेड़े उसके ऊपर असर नहीं करती हैं <laughs> लेकिन वो काम तो करता है ना रात को वहाँ कोई दिशा के चिन्ह तो बने नहीं होते उस लाइट हाउस को देख कर ही तो जहाज अपना रास्ता तय करते हैं तो है। अगर मैं दृढ़ता से खड़ी हूँ लाइट हाउस की तरह तो कितने जहाज़ों को रास्ता दिखा दूँगी नहीं तो हाँ। कोई जहाज़ टापू से टकराकर उलट के डूब भी जाएगा क्या बात है मैं सब पूछना चाहती हूँ ये दृढ़ता आप अंदर ये आप अपने अंदर कहाँ से लाए दृढ़ता हमें शिक्षा से मिलती है अपने अच्छा। वातावरण से मिलती है अपने माता पिता से मिलती है क्या शिवाजी के पास सेना थी जब उन्होंने गढ़ जीता था माता जीजाबाई ने भरा था ना उनमें मुझे ये गढ़ जीत के लाना है तुम्हें वो तो है क्या हिंदू स्वराज्य स्थापित करने के लिए शिवाजी के पास इतना साधन था जितना उस समय औरंगजेब के पास था नहीं तो दृढ़ता तो हमें दृढ़ता सफलता की चाबी है परमात्मा भी कहते हैं ना दृढ़ता सफलता की चाबी है क्या बात सबसे बड़ा क्या होता है घर उससे छोटा दरवाजा उससे भी छोटा ताला हाँ। और उससे भी छोटी चाबी लेकिन हाँ। कैसे खोलेंगे घर को बताइए दर्शकों ताली लगाएंगे ना दरवाजे में क्या बात ताले है? में आपने चाबी लगाई दरवाजा खुल गया आप घर के अंदर तो ऐसे ही सफलता है सफलता की दरवाजे में दृढ़ता के ताले की चाबी लगाइए वो खुल गया आप जा सकते हैं क्या बात है क्या बात है आपने ये सफलता जीवन में पाने के लिए क्या प्रयास किया मेहनत ही सबसे बड़ा प्रयास है ना मेहनत और दृढ़ता अच्छा लेकिन वो थोड़ा सा जैसे हाँ... अभी आप देखिए मेरे हाथ में जो पुस्तक है आपके हाथ में जो पुस्तक है हाँ कितने लोगों की मैंने इसमें मेहनत की है ना कितनी मैंने मेहनत की है मेरी संतानों ने मेहनत की है किसी ने टाइप कराया किसी ने छपने के लिए दिया हमने कई कई बार जब टाइप करा के आया उसके बाद उसकी गलतियाँ निकाल के ठीक किया तो बिना तो मेहनत के कहाँ कोई काम होता है वो तो है वो तो है फिर लेकिन... किसी ने सुंदर कागज से का चुनाव किया किसी ने सुंदर दृश्यों का चुनाव किया तब जाके हुआ ना सब कुछ लेकिन आजकल कैसे हुआ है शॉर्टकट का जमाना आ गया है जो आजकल की पीढ़ी है वो मेहनत करना नहीं जानती ऐसे ही शॉर्टकट मार के वो सफलता हासिल करना चाहती है तो उन्हें आप क्या कहेंगे जो सहज मिलता है वो सहज चला भी जाता है वो तो है तो हर सफलता का कोई शॉर्टकट और नहीं होता ना <laughs> संघर्ष ही सफलता का सबसे बड़ा रास्ता है आप बड़े बड़े महावीर स्वामी को ले लीजिए महात्मा बुद्ध को ले लीजिए महात्मा गांधी को ले लीजिए जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनको ले लीजिए क्या प्रथम प्रयास में उनको सफलता मिल गई जिन्होंने बल्ब बनाया था उन्होंने कितनी बार असफलता पाई थी एडिसन के बारे में आज तो एडिसन को कितनी बार लोगों ने कहा था अच्छा आप हजार बार फेल हो चुके हो फिर भी क्यों बनाए जा रहे हो तो उन्होंने हंसकर कहा था हजार बार फेल होने से मुझे ये पता चल गया कि ये हजार जो तरीके हैं गलत हैं मैं एक और ढूंढूंगा <laughs> तो निरंतर चलते रहिए निरंतर करते रहिए सफलता मिलेगी अवश्य बिल्कुल लेकिन ये निरंतरता कायम रखना कोई आसान बात तो नहीं है लोग अक्सर हम देखते हैं कि हौसला हार जाते हैं तो उन्हें आप क्या कहोगे हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम बचपन में हम लोग सुना करते थे अपने माता पिता से हाँ तो हम तो उसे उस पर चलते हैं अच्छा कि लेकि... कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी ना हाँ बस रास्ता मत छोड़िए चलना मत छोड़िए अच्छा अच्छा लेकिन अपने जीवन की मंजिल निश्चित करना भी तो एक कला है उस पर आप क्या कहोगे उसमें तो बहुत सारे लोगों का दिग्दर्शन हमें मिलता है ना? हाँ। मार्गदर्शक माँ भी होते हैं मार्गदर्शक पिता भी होते हैं हमारे गुरु भी होते हैं। अच्छा हमारा साहित्य भी हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए और... तो सत साहित्य पढ़ने का रुचि हमें जगाना चाहिए ना बच्चों में अच्छा आज बच्चे सारा दिन गैजेट्स में खोए रहते हैं सारी दुनिया क्योंकि उनकी मुट्ठी में है मोबाइल पर कुछ भी देख सकते हैं मैं एक आपको पूछना चाहती कि आपको आपके जीवन की मंजिल क्या साहित्य से मिली उसमें दो लाभ हमारे बचपन के भी थे हमारे जमाने में मोबाइल होता ही नहीं था टीवी अच्छा, होता ही नहीं था वो भी है तो वो भी कह सकते हैं उसको अभी के बच्चे हानि कहेंगे हम कहेंगे लाभ था क्योंकि हमारा समय उसमें नहीं गया हाँ वो तो है और पढ़ने की और लिखने की रुचि मेरी बचपन से थी अच्छा, अच्छा मेरा जो भी समय होता था वो बचता था वो मैं पढ़ने में व्यस्त करती थी अच्छा अच्छा तब मैंने आ... पहले भी बताया था शायद कि मेरे घर में मेरे माता पिता ने लाइब्रेरी बना के दी थी हाँ, मुझे बताया था वो और मेरे सभी आसपास के लोगों को मेरे सखाओं को मेरे पड़ोसियों को सबको आज्ञा थी उसमें से कोई भी पुस्तक ले जा सकते हैं लाके रख सकते हैं बस मुझे पुस्तक को खराब करना खराब लगता अच्छा, लेकिन मैं आपको ये आपसे ये जानना चाहती हूँ जैसे आपको पढ़ने में रुचि थी तो आपके दोस्त भी उतने ही पढ़ते थे उस वक्त सबके दोस्त एक जैसे तो नहीं होते हैं हाँ हाँ है। और उस वक्त जो हमारी पीढ़ी के लोग थे उनके पास भी तो वही साधन थे जो हमारे पास थे अच्छा उनके पास भी देखने के लिए दूरदर्शन तो नहीं था अच्छा हाथ में मोबाइल तो नहीं था तभी तो किसी ने कितना सुंदर कहा पहले कमरे में एक फोन होता था तो सब मित्र और संबंधी आसपास थे अभी फोन हाथ में है सब दूर है अच्छा <laughs> तो मतलब उस समय के जो बच्चे थे सब आपके दोस्त उत, उनको भी पढ़ने की उतनी ही रुचि थी मेरी एक, एक सखी थी उसका नाम था सरोज अच्छा उनका घर देखिए तो इतना था मेजनी फ्लोर में बस वो रहते थे अच्छा। दो बहन भाई थे अच्छा अच्छा कोई साधन नहीं थे उनके पास अच्छा लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज थी अच्छा ओके ओके तो शिक्षा किसी उससे नहीं है कि जिसके पास धन होगा उसी के पास शिक्षा होगी बिल्कुल सही है तो दोनों पढ़ने में इतने तेज थे दोनों ने अपने स्कूल से स्कॉलरशिप ली थी अच्छा तो ये आप सोचिए कि उनके ना कोई उनको ट्यूशन मिलती थी ना कुछ लेकिन अपनी बुद्धि से उन्होंने इतना अन किया ना और अपने माता पिता के संघर्ष को उन्होंने परखा अच्छा कि छोटे से घर में मेरे माता पिता कैसे मेरे को पालते हैं तो बच्चों में अगर हम ये जागृत कर दें माता पिता के प्रति आभार भाव जो हमारे साधन है उनके प्रति आभार भाव तो बच्चे मेहनत करना सीख जाएंगे क्या बात है कितनी बड़ी बात कही आपने इस कविता में आखिर का जो छंद है इसमें शब्द आपने यूज किया है मझधार इसका थोड़ा सा अर्थ आप स्पष्ट करेंगे जब सागर में या नदी में नाव होती है तो कई बार मझधार में होती है ना मझधार कहते हैं बीच में जब हम पहुंच गए अच्छा अच्छा तो इधर से भी लहरें आ रही हैं उधर से भी लहरें आ रही हैं तो दिशा अगर मेरे पास सही होगी तो नाव धीरे धीरे चलेगी लेकिन पार तो हो जाएगी वो तो है तो किसी ने कहा है कि जल में नैया है तो तैरेगी पार करेगी जरूर लेकिन नैया में जल आ गया तो नैया डूबेगी तो नैया में कौन सा जल आएगा अगर नैया में मैंने छिद्र कर दिया तो सागर नदी का जल जिस जल में नाव तैर रही है उसी जल में नाव डूब जाएगी क्योंकि सम पानी अंदर आ जाएगा उसी तरह जो मेरी सफलताएं हैं अगर मैं उनसे खेलती हूँ अगर मैं उनको औरों को भी बांटती हूँ जल विस्तृत है बंट रहा है तब वो नदी में नाव तैर रही है तो उसी तरह मेरी सफलता का प्रसाद मेरी सफलता की खुशी मेरे समाज को भी मिल रही है उससे कुछ लाभ मिल रहा है तो मेरी सफलता उस नदी की तरह है जिसमें नैया तैर जाएगी लेकिन वही अभिमान का क्षेत्र बनकर अगर मेरी नैया के अंदर आ गई तो नैया डूब जाएगी क्या बात है कितनी अच्छी बात कही आपने हमें इस जीवन की नैया को सही दिशा में ले जाना है और ऐसे आपके जैसे प्यारे प्यारे शब्द होंगे तो वो काम तो आसान ही होगा तो इतनी इतनी सुंदर तरीके से आपने हमें समझाया इस बारे में इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने सुना ऊंचाई के सुगंध के बारे में अगर हम जीवन के किसी भी अवसर पर बहुत ऊंचाई को छू छु, छूना चाहते हैं बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हैं तो दृढ़ता हमारे साथ होनी चाहिए तो सफलता तो आसान है तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम से आपका विदा लेती हूँ कवि और उसकी कृति देखते रही है नमस्कार